जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे दर्शन नगर बूथ नंबर 4 से लेकर धर्मपथ तक जो सर्विस लेन का निर्माण किया जा रहा है, साथ में जो हाईवे का कुछ अपडेट किया जा रहा है, साथ में बीच में जो है फ्लाई ओवर भी बनाया जा रहा है, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है यार ब्लॉग को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में मिलने वाला है। तो चलिए दिखाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख पाइएगा दोस्तों, ये है द रामायणा होटल, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उधर जो है बूथ नंबर 4 है, जहाँ से दर्शन नगर बूथ नंबर 4, उधर आप सूर्यकुंड जा सकते हो, परिक्रमा मार्ग वही है। ठीक है, ये हाईवे का जो है अपडेट किया जा रहा है, साइड में जो है इसको और चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, ये आप लोग देख पाइएगा। आपको थोड़ा सा हम पास से यहाँ से दिखाएँ तो ये देख पाइएगा, इधर देखिएगा उस साइड पर जो है सर्विस लेन बना दिया गया है, जहाँ से अभी गाड़ियों को नीचे उतार दिया जाता है और वहीं से जो है गाड़ियाँ जितनी भी अयोध्या से आती हैं, उधर बस्ती बहराइच की साइड से आती हैं, सभी को जो है नीचे से भेजा जाता है। उसके बाद आगे जो है फ्लाईओवर कंप्लीट है तो वहां से ऊपर फिर से उन लोगों को भेज दिया जाता है। अब यहां पर अगर आप लोग देख पाइएगा, अभी जो है इस साइड पे जो हाईवे है इसका जो है पूरी तरीके से तोड़ दिए हैं, इसको फिर से बनाया जाएगा, साइड से भी एक मार्ग दिया जाएगा जैसा कि आगे दिया गया है। तो ये देख पाइएगा आप लोग कुछ इस तरीके से जो इधर अभी अपडेट किया जा रहा है, ये पूरा इसे आपको धर्मपथ यानी अयोध्या से जहाँ आप एंट्री करोगे वहाँ तक ये चीज़ें जो है अपडेट की जाएंगी। तो फिलहाल चलेंगे आपको पूरा दिखाएंगे, अभी आप लोग देख पाइएगा तो कुछ इस तरीके से जो है पूरा अपडेट किया जा रहा है, ये देख पाइएगा। आगे देखिए पूरा जिस भी लगी हुई है, अभी ये मॉर्निंग का टाइम है जिसकी वजह से अभी आपको दिख नहीं रहा है काम होते हुए, नहीं तो अभी जो है 9-10 बजे से जो है काम स्टार्ट हो जाएगा, ये देख पाइएगा। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है और आगे जो है वो एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, बस स्टेशन है वहाँ पे, तो भी इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए आपको पूरा अपडेट देते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं, अभी आप लोग देख पाइएगा कुछ इस तरीके से भाई इसका अपडेट किया जा रहा है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा ये मुख्य मार्ग है। अकबरपुर अगर आपको जाना है, गोंडा बस्ती बहराइच जाना है तो भी आप इसी से जाइएगा, लखनऊ आपको जाना है यहीं से आप लोग जाइएगा, जिसकी वजह से इसमें भीड़ ज़बरदस्त लगती है और अयोध्या से होते हुए गुजरता है ये मार्ग, और ये सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। तो जिसकी वजह से जो है अब इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना भी है और अभी तक जो है धीरे धीरे निर्माण कर रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन अब पूरी तरीके से जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। अभी जिस पर हम चल रहे हैं ये सर्विस लेन है, सर्विस लेन को पहले जो है बना के निर्माण इसका करके अच्छे से कर दिए हैं, उसके बाद जो है वो मेन मुख्य मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। अभी देखिए सर्विस लेन के बगल जो है देखिए डक्ट भी बना दिए हैं, पूरा डक्ट जो है बन के लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। आगे से यहाँ से जो है फिर से हाईवे के ऊपर लोगों को भेज दिया जाता है गाड़ियों को, और आगे क्योंकि जो है अभी ये इसका जो निर्माण है सर्विस लेन का वो कुछ कम किया गया है, जिसकी वजह से ये देखिएगा कुछ यहाँ से फिर से लोगों को हाईवे पे इधर से भेज दिया जाता है, हाईवे इधर कंप्लीट है, जब पीछे की ओर बना लेंगे तो आगे काम किया जाएगा, तो सर्विस लेन पे फिर से लोगों को भेजा जाएगा। इस हिसाब से जो है इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है, ये देख पाइएगा कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा। साइड में जो है वो निर्माण कर दिए गए हैं, और ये जो मार्ग है बिल्कुल सीधा आपको लेकर जाएगा, आप धर्मपथ पर जाइएगा, यहीं से आप अयोध्या में एंट्री कर सकते हो, यहीं से आप रामलला का दर्शन करने भी जा सकते हो, सारी चीज़ों का ये देख पाइएगा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये देखिए अकबरपुर करीब 135 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, और मैं आपको बता दूं कि अभी आपको पता है दीपोत्सव आने वाला है और उसके रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आ रही है, और आपको भी पता है कि ये जो है हाईवे भी डेकोरेट किया जाता है और इस पर भी काफ़ी अच्छे से जो डेकोरेशन वगैरह लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ें लगाई जाती है, तो वो भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको जो है सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। और आपको पता है भाई जैसे अयोध्या में डेवलपमेंट हो ही रहा है, वैसे होटल रेस्टोरेंट शॉप इतनी ज़्यादा ओपन हो रही है अयोध्या में, हम क्या ही बताएं, बहुत सारे जो है शॉप वगैरह यहाँ पे ओपन किया जा रहा है वो सारी चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, तो सुविधा बहुत सारी मिलने वाली है, अगर आप बाहर से अयोध्या आ रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सारी जो है व्यवस्थाएँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी आप लोग देख पाएगा राइट साइड पर जो है सर्विस लेन लगभग इधर भी बनाए हैं, बस इधर तो बेसिक सा बना हुआ है, अभी उसको पूरा का तरीके से कम्प्लीट नहीं किए हैं, जो कि अभी कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये मुख्य मार्ग अभी हाईवे का ही काम चल रहा है, उसके बाद जो है सर्विस लेन का कार्य जो है किया जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं बिल्कुल सीधा आपको दिखाएंगे धर्मपथ के प्रवेश द्वार तक कि जो है वो कैसे कैसे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और आगे जो बस स्टैंड के पास फ्लाई ओवर के निर्माण किए जा रहे हैं वो जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने द रामायणा यानी दर्शन नगर बूथ नंबर 4 से वीडियो को स्टार्ट किया है और कहीं पर भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, करीब करीब 7-8 किलोमीटर के आसपास होगा, कहीं पर भी आप जो है घूम नहीं सकते हो, कहीं पर टर्निंग पॉइंट नहीं है यहाँ पे। तो जो है वो बस स्टैंड के पास जो उस फ्लाईओवर का निर्माण कर दिया जाएगा इस बीच में, तो
तो वहाँ से जो है जितनी भी बड़ी छोटी गाड़ियाँ हैं वो टर्न ले पाएंगी, अगर उनको जो है फिर से देवकाली बाईपास जाना है, लखनऊ जाना है, तो फिर से वो घूम पाएंगे, जिनकी वजह से वो चीज़ें की जा रही हैं। साथ में बस स्टैंड भी बगल में है, तो वह उसको भी जहाँ पे बस वगैरह जाते रहेंगे उनको भी जाने में आसानी रहेगा, और उसके बगल जो है वो पेट्रोल पंप भी दिया गया है, तो वो सारी सुविधा को जो देखकर वो चीज़ें की जा रही हैं, काफ़ी अच्छा है। अभी चलिए आपको दिखाएंगे कितना निर्माण कार्य हुआ है, कैसे कैसे किया जा रहा है, उसको अभी आपको दिखाते हैं। अभी आप जो ये एरिया देख पा रहे हो, एक टाइम में इसको ओपन कर दिया गया था कि लोग यहाँ से टर्न ले सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन भाई ये तो ठहरा हाईवे और इस पर गाड़ियाँ आपको पता है कि बहुत धीरे चलती ही हैं, तो वो उससे जो है एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त हुए कई बार, जिसकी वजह से जो फिर से गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। वो अब जो है डायरेक्ट आपको अयोध्या ही जाकर घूमना पड़ेगा और कहीं पर जो है आपको टर्न लेने का जगह नहीं बनाई गई है, तो कुछ इस तरीके से भाई यह देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ से फिर से जो है सर्विस लेन से गाड़ियों को उतार दिया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से जो है फ्लाईओवर के निर्माण किए जा रहे हैं। ये आप लोग देख पाइएगा, इधर से जो है पूरा फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ से ये पूरा बनेगा और धीरे 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 होते हुए ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर से नीचे कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा उतर के आपको दिखाएंगे तो आपको जो है चीज़ों को अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे जो है खड़ी कर देते हैं गाड़ियाँ, देखिए यहाँ पे भी डक्ट बन रहे हैं, क्योंकि जो ये सर्विस लेन है अभी जो इसका यूज़ किया जा रहा है ये पूरा सर्विस लेन ही है। और यहाँ से हम चलते हैं आपको दिखाते हैं, ये देखिए इधर से जो है फ्लाईओवर बन रहा है, जितनी बड़ी छोटी गाड़ियाँ हैं सभी को जो है नीचे उतार दिया जाता है सर्विस लेन से, और यहीं से जो है ये आगे अयोध्या की ओर जाती हैं, उसके बाद निकल जाती है इधर जो है पुल के ऊपर से, ठीक है। ये देखिए अब चलिए आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं इधर जो है ये फ्लाईओवर के निर्माण कार्य जो हो रहे हैं, चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा इधर जो है ये काफ़ी टाइम से बन रहा है, करीब करीब शायद 1-1.5 महीने के आसपास हो गया है और इसका निर्माण हो रहा है। देखिए ये कुछ इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है और काफ़ी मजबूती से काम किया जा रहा है। आगे जो है बस स्टैंड भी है और बगल में उसके जो है वो पेट्रोल पम्प भी है, अभी उसको भी आपको हम चल के दिखाएँगे आगे। ये देखिए पूरा जो है ये मार्ग इधर ब्लॉक कर दिया गया है और जो है ये फ्लाईओवर के निर्माण किए जा रहे हैं, ये देख पाइएगा जाल वगैरह बांध के जो है चीज़ों को किया जा रहा है। ये देखिए कंटिन्यू डेली काम होता है यहाँ पे और अच्छे खासे लेवल पे जो है लोग वर्क करते हैं, ठीक ठाक वर्कर्स लगे रहते हैं। ये देखिए इधर से पूरा निर्माण होते हुए आ रहा है फ्लाईओवर का और कुछ इस साइड से ऐसे निकल जाएगा आगे की ओर। अभी चलिए आपको हम पूरा दिखाएंगे इधर जो है जो निर्माण कार्य कैसे कर रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, सब कुछ दिखाएंगे। तो फिलहाल ये देख लीजिएगा आप लोग, ये देखिए चलिए कुछ इस तरीके से हो रहा निर्माण, और भाई ये ज़रूरी भी है। और ये देख पाइएगा इधर चीज़ें कुछ इस तरीके से, बगल में जो है सर्विस लेन है, जब ये पूरा फ्लाईओवर बन जाएगा तो लोग सर्विस लेन भी यूज़ कर पाएंगे और ऊपर से जो है फ्लाईओवर के ऊपर से भी जो है वो जा पाएंगे। ये देखिए कुछ यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखिए अब फिलहाल चलते हैं, भाई इस पे जो है सर्विस लेन पे जाम भी अच्छा खासा लगता है, क्योंकि बड़ी छोटी गाड़ियाँ जितनी हैं सभी जो है इस पे चलती हैं। और अब यहाँ से हम भी निकलते हैं, ये देखिए अब चलिए आपको दिखाते हैं पूरा। ये देखिए अब भाई जितना दिक्कत ई रिक्शे वाले करते हैं भाई क्या ही बताएं, ये उल्टा सीधा हर रास्ते चलते हैं, सीधा भी चलेंगे और उसी मार्ग से उल्टे भी आएंगे, तो ज़्यादातर इन्हीं की वजह से जाम लगता है। ये देखिएगा इधर इसका जो है रिंग वगैरह बना रहे हैं वेल्डिंग करके, ये देखिए अभी देखिए इधर जो है पिलर्स बिल्कुल बना के रेडी कर दिए हैं फ्लाईओवर का, ये देख पाइएगा पिलर्स बन चुके हैं और आगे भी जो है वो पिलर्स बना दिए गए हैं जो फ्लाईओवर के बड़े बड़े पिलर्स होते हैं। और ये सारे बनाने के बाद अब यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ यहाँ से, ये देखिए इधर जो है अयोध्या धाम बस स्टैंड भी है। इधर देखिए ये सामने आपको बोर्ड देखने को मिल रहा है अयोध्या धाम बस स्टैंड, और उसके बगल जो है इधर है पेट्रोल पंप, ये देखिए आपको ब्लू कलर का देखने को मिल रहा होगा टीन सेट उसका, ठीक है जिस जस्ट बगल ही है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये इसका पिलर्स यहाँ इधर बन गया है और आगे भी जो है निर्माण कर दिए हैं, ये देखिए ठीक है आगे तो इस तरीके से निर्माण हो ही रहा। तो ऐसे से जाके उसके बाद आगे करीब यहाँ 200 मीटर और आपको आगे जाना है और वहाँ से फ्लाईओवर जो नीचे हो जाएगा और फिर से जो है लोग हाईवे के ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए फिलहाल यहाँ से हम दिखाते हैं आपको आगे ये जो कहाँ पे इसको एंड किया जा रहा है, उसके बाद पूरा आपको अयोध्या तक लेकर चलते हैं। तो चलिए दिखाते हैं, ये देखिए भाई अभी सर्विस लेन का कितना ज़्यादा जो है यूज़ किया जा रहा है, सर्विस लेन टाइम से जो है बना दिए थे तो उसका यूज़ जो है अब हो रहा अच्छा खासा। ये देखिए इधर पूरा जो है ये निर्माण कार्य सब जो है फ्लाईओवर के हैं, देखिए पूरा मार्ग जो है एक तरफ से तोड़ दिए हैं और अब इस पर जो है
वो इस तरीके से जो कुछ फ्लाईओवर बनेगा। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि इधर जो है अब सर्विस लेन नहीं है, नहीं है क्योंकि है बोल सकते हो, है भी अभी कंप्लीट बना हुआ नहीं है। ये देखिएगा इस पॉइंट से इधर सर्विस लेन आएगा जो कि अभी पूरा बनाना हुआ नहीं है। अब यहाँ से हम निकलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे चल के। तो यहाँ से देखिए ये सर्विस लेन के ही काम चल रहे हैं, लेकिन जो है बारिश की वजह से कुछ ज़मीन यहाँ पर गड्ढी थी जिसके वजह से पानी भर गया और उसी की वजह से जो है वो काम रुका हुआ है। यहाँ पे आपको जो है सामने की वेल्डिंग देखने को मिल रही होगी, ये आप लोग देखिएगा यहाँ ध्यान से। ये भाई अयोध्या का संस्कृत में यहाँ पे आपको शिक्षा मिलेगी, यहाँ पे जो लोग लोकल के लोग हैं पढ़ सकते हैं या फिर बाहर से भी लोग आ सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी शिक्षाएँ दी जाएंगी BA BSc MSc हर चीज़ वो भी पूरी की तरह जो है संस्कृत भाषा में चीज़ें रहेंगी, ठीक है। ये देखिएगा अभी इसका भी निर्माण कार्य बहुत अच्छे से हो रहा, बहुत भव्य बन रहा भाई। जितना आप ये आगे देख रहे हो उतना ही जो है ये पीछे भी है और काफ़ी अच्छे से इसका निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ पर देखिए सर्विस लेन इधर इधर कंप्लीट है पूरा, क्योंकि इधर ज़मीनें सही थी उधर जो है बना के पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। ये देख पाइएगा इधर, और ये सर्विस लेन ही आपको जो है धर्मपथ पे लेके जाता है। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ये देखिएगा। और यहाँ से जो है ये है धर्मपथ पे जाने का मार्ग। सीधे अगर आप लोग जाइएगा तो यहाँ पर गोंडा बहराई साहब, यहाँ से निकल जाइएगा सीधे की, और ये जो है सर्विस लेन पर जैसे आप आइएगा तो आप सीधा अयोध्या की ओर जाइएगा। ये देखिएगा इधर, देखिए स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई हैं जो कि सोलर वाली हैं, और यही वाली जो स्ट्रीट लाइटें हैं पूरा गुप्तार घाट यानी 8 किलोमीटर तक ये पूरा लगी हुई हैं बिल्कुल साइड साइड में, और ये अच्छी भी रहती हैं काफ़ी। सक्सेस लाइटें भी हैं 2 साल 3 साल 4 साल जो कंटिन्यू चलती रहती हैं। अब देखिए ई रिक्शो वाले की हरकत देख रहे हो ना, हम कह नहीं रहे थे ये उल्टे सीधे हर तरफ चलते हैं, ये देखिए आ रहे हैं। अब इससे जो बड़ी गाड़ियाँ आएंगी तो जब कोई दुर्घटना होगी तो गलती जो है बड़ी गाड़ियों का ही बोला जाता है। ये देखिए फ्लाईओवर भी काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाइयाँ कर दिया गया है, डेकोरेट तो पहले किया ही गया था, साफ़ सफाइयाँ इसका हो चुका है। अब इस पर आपको पता है फूल लगते हैं, लाइटें लगाई जाती हैं अच्छी अच्छी जो कि काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ पे भी बनाया जाता है। सामने आपको धर्म चौक देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरीके से, धर्म पथ की पहले आपको धर्म चौक ही देखने को मिलता है। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, उसका भी जो है साफ़ सफाई हर चीज़ हो चुका है पूरा कंप्लीट है। और बस अब दीपोत्सव का जो है तैयारियाँ कंटिन्यू चल रही हैं और चैनल पर वीडियोज़ भी जो है वो कंटिन्यू आएगा, दीपोत्सव में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं कैसे कैसे हो रही हैं। रिक्वेस्ट है यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तभी आपको देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं और किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।